नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर तो आज के इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ा था कि हमारा ब्लड कैसे बनता है ब्लड में क्या क्या पाया जाता है वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था तो इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है कौन किसको खून दे सकता है किससे खून ले सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे माता पिता से बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है ये देखेंगे और इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे तो आज की वीडियो के वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रक्त के संगठन के बारे में पढ़ाया था यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ाया था कि हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है हमारा ब्लड बनता कैसे है तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जाती हैं पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएँ तो हमारे ब्लड का पचपन प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है प्लाज्मा जो कि तरल अवस्था में होता है तो हमारे ब्लड का पचपन प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है और पैंतालीस प्रतिशत भाग रक्त कणिकाएं होती हैं रक्त कणिकाएँ ठोस अवस्था में होती हैं अणु के फॉर्म में होती हैं और जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि जो प्लाज्मा होता है ये नब्बे प्रतिशत जल से बना होता है इसीलिए ये तरल अवस्था में होता है तो प्लाज्मा में नब्बे प्रतिशत जल होता है सात प्रतिशत प्रोटीन होता है जीरो दशमलव नौ प्रतिशत लवण होता है जीरो दशमलव एक प्रतिशत ग्लूकोज होता है और दो प्रतिशत अन्य चीज़ें होती हैं तो इनसे मिलकर हमारे रक्त का अधिकांश भाग बनता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और ये तरल अवस्था में होता है पिछले वीडियो में मैंने एनिमेशन की सहायता से आपको बताया था इसके बारे में और जो ब्लड का पैंतालीस प्रतिशत भाग होता है रक्त कणिकाएँ होती हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है तो इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं लाल रक्त कणिकाएँ श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त बिंबाणु लाल रक्त कणिकाओं को हम आर कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यू और रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं तो इनसे मिलकर हमारा ब्लड बनता है अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह तो रक्त समूह की खोज किसने की थी तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल स्टीनर ने सन उन्नीस 19 और 1901 के दौरान की थी तो याद रखेगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी कार्लैंड स्टिनर ने की थी तो कार्लैंड स्टिनर ने कई लोगों के खून के सैंपल लिए और कड़ी मेहनत के बाद ये पता लगाया कि खून तीन प्रकार का होता है तो इन्होंने क्या किया कई लोगों के खून के सैंपल लिए और उसके बाद ये बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है ये तीन प्रकार का होता है और इसका नाम इन्होंने रखा ए बी और सी तीन ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने शुरुआत में पता लगाया था और उसका नाम रखा था ए बी और सी ब्लड ग्रुप परंतु कुछ समय बाद लैंस्टीनर ने ग्रुप सी का नाम ग्रुप ओ रखा था यानी कि तीन ब्लड ग्रुप इन्होंने खोजे थे ना ए बी और सी तो जो सी ब्लड ग्रुप था उसका नाम इन्होंने बदलकर ओ ब्लड ग्रुप रख दिया था तो कार्ल लैंडस्टीनर को अपनी इस उपलब्धि के लिए 1930 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो 1930 में दिया गया था क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसके बाद आगे चलते हैं तो लैंडस्टीनर की इस महान खोज के एक साल बाद उनके दो साथियों एल्फ्रेड वोन डिकेस्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने इस खोज को आगे बढ़ाया और उन्होंने मिलकर एक नए ब्लड ग्रुप ए बी का पता लगाया तो अभी तक लैंडस्टिनर ने तीन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था ए बी और ओ परंतु लैंडस्टीनर के दो असिस्टेंट थे यानी कि उन्हीं के अंडर काम कर रहे थे इनका नाम था डिकेस्टेलो और स्टर्ली इन्होंने क्या किया इन्होंने एक और नए ब्लड ग्रुप का पता लगाया जिसका नाम रखा गया ए बी तो अब हमें चार ब्लड ग्रुप पता चल चुके हैं ए बी ए बी और ओ और मुख्यतः मनुष्य में ये चार ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो तो मनुष्य में ये चार ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ए बी ए बी और ओ तो आगे अब हम देखते हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है कैसे पता चलता है किसी का ब्लड ग्रुप ए है किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता चलता है ये हम देख लेते हैं तो कार्ल लेंडिनर ने मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना ये मनुष्य के रक्त में दो जगह पाया जाता है एक तो आर की सतह पर और दूसरा प्लाज्मा की सतह पर तो मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि रक्त का पचपन प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है और पैंतालीस प्रतिशत भाग रक्त कणिकाएँ होती हैं तो रक्त कणिकाओं में आर के बारे में मैंने आपको बताया था तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना ये दो जगह पाया जाता है एक तो आर की सतह पर और दूसरा प्लाज्मा की सतह पर तो कार लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में मौजूद आर में दो तरह के एंटीजन को देखा था तो लैंडस्टीनर जब ब्लड पर स्टडी कर रहे थे ना तो इन्होंने ब्लड में दो जगह ग्लाइकोप्रोटीन देखा एक तो आर की सतह पर और एक प्लाज्मा की सतह पर और इन्होंने पाया कि आर की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन देखने को मिलते हैं एक का नाम इन्होंने एंटीजन ए रख दिया और दूसरे का नाम एंटीजन बी रख दिया तो ये तो हो गया आर की सतह पर तो प्लाज्मा की सतह पर भी जब इन्होंने अध्ययन किया तो इनके अध्ययन के अनुसार इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है जिसका नाम इन्होंने एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी रखा तो जो एंटीजन है ना इसे कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है आप देख रहे हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी में लेकिन जो एंटीबॉडी है ना इसे स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ तक हमने देख लिया कि आर की सतह पर दो एंटीजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा की सतह पर दो एंटीबॉडी पाई जाती हैं तो अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में पता कैसे चलता है तो जैसा कि हमने पढ़ा कि रक्त में मौजूद आरबीसी में दो तरह के एंटीजन होते हैं एंटीजन ए तथा एंटीजन बी तो इसी से ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है कैसे पता चलता है तो ये देखिए जब आर को माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया तो पता लगाया गया कि इसकी सतह पर दो एंटीजन हैं एंटीजन ए जिसकी शेप आप देख रहे हैं इस प्रकार की है और एंटीजन बी इसकी शेप इस प्रकार की है तो देखिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना उसके आर की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है जैसा आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए में जो आर की सतह है यहाँ पर कौन सा एंटीजन देखने को मिल रहा है तो ए एंटीजन उसके बाद है ग्रुप बी यानि कि जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके आर की सतह पर कौन सा एंटीजन देखने को मिलेगा बी एंटीजन देखने को मिलेगा और जिनकी आर की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन देखने को मिलते हैं उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा और जिनकी आर बी सी की सतह पर ना तो एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही एंटीजन बी पाया जाता है तो उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा ओ को हम जीरो ब्लड ग्रुप भी कह देते हैं क्योंकि इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो कितना आसान है ना ये पता करना कि, कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या है तो जिसकी आर बी सी की सतह पर ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा जिसकी आर की सतह पर बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा जिसकी आर की सतह पर दोनों ही एंटीजन होंगे यानी कि ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा और जिसकी आर की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप होगा तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे बस आपको यहाँ तक इतना पता होना चाहिए कि किसी का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है तो उसकी आर पर जो एंटीजन पाया जाता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है तो हमने एंटीजन के बारे में तो पढ़ लिया हमने ये भी देखा था ना कि प्लाज्मा की सतह पर एंटीबॉडी पाई जाती है तो एंटीबॉडी के बारे में देख लेते हैं तो रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं और यह है एंटीबॉडी हमारी बीमारियों से रक्षा करती है तो एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि सेम प्रकार की एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते ये आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप इतना जान लीजिए कि सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जा सकते जैसे कि किसी के ब्लड में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होगी तो एक ही ब्लड में सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते ऐसा होने पर यह आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे क्या होता है रक्त नष्ट हो जाता है और इसे रक्त का अभिश्लेषण या ब्लड एग्लूटिनेशन कहते हैं इसमें रक्त इकट्ठा हो जाता है गाढ़ा हो जाता है तो सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड में एक साथ नहीं रह सकते तो देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सा एंटीजन होगा तो उसके ब्लड में ए एंटीजन होगा तभी उसका ब्लड ग्रुप ए आएगा तो अगर उसके ब्लड में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी तो एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड में नहीं हो सकते तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी एंटीबॉडी होगी बी दूसरा ब्लड ग्रुप है बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो होगा बी परंतु एंटीबॉडी कौन सी होगी तो ए एंटीबॉडी होगी तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तो जब दोनों ही एंटीजन होंगे तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी तो याद रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती उसके बाद है ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं ए और बी दोनों एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप में पाई जाती हैं तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड में एक साथ सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते तो शुरुआत में हमने ए एंटीजन और बी एंटीजन की शेप देखी थी ना जो कि ए एंटीजन की शेप कुछ इस प्रकार है और बी एंटीजन की शेप इस प्रकार है तो जो एंटीबॉडीज होती है ना ए एंटीबॉडी आप देखेंगे ऊपर से आधी राउंड शेप में है और जो बी एंटीबॉडी है आधे ट्राइंगल की शेप में है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ क्यों नहीं हो सकते तो देखिए यह ब्लड ग्रुप ए और इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है तो ए एंटीजन पाया जाता है तो ए एंटीजन की शेप अगर आप देखेंगे ऊपर से गोल है तो अगर इसमें सेम एंटीबॉडी यानी कि ए एंटीबॉडी पाई जाएगी तो आप देखेंगे कि जो ए एंटीबॉडी है और ऊपर से इसकी शेप भी इस प्रकार है कि ये ए एंटीजन में जाकर फंस जाएगा अब देख रहे हैं ना कि ये आधा गोलाकार है अगर ये ए एंटीजन के ऊपर जाएगा तो फंस जाएगा पर अगर आप देखेंगे कि जो बी एंटीजन की शेप है इसमें यह ए एंटीबॉडी नहीं फंसेगी लेकिन जो एंटीबॉडी बी है इसकी शेप पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये बी एंटीजन में तो फंस जाएगा लेकिन ए एंटीजन में नहीं फंसेगा क्योंकि जो एंटीबॉडी भी है इसकी शेप अगर आप देखेंगे आधा ट्रायंगल बना हुआ है तो ये एंटीजन बी में जाकर तो फंस जाएगा लेकिन एंटीजन ए में नहीं फंसेगा तो इसीलिए सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जाते ऐसा होने पर क्या होगा कि अगर कि सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही ब्लड में पाए जाएंगे तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन है उसमें जाकर फंस जाएंगी जिसके कारण क्या होगा ब्लड का फ्लो नहीं होगा और आर नष्ट हो जाएगी इसीलिए सेम प्रकार के और एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जाते तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन कौन सा होगा ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी बी एंटीबॉडी पाई जाएगी और जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें बी हो एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे यानी कि ए और बी दोनों ही एंटीजन होंगे परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाएगी और जो ओ ब्लड ग्रुप होगा इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं ए एंटीबॉडी भी पाई जाती है और बी एंटीबॉडी भी पाई जाती है तो इस प्रकार हमने इस चार्ट में ये देख लिया कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है और सेम प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी क्यों नहीं पाई जाती वो भी हमने समझ लिया अब हम आगे देखते हैं तो आगे अब हम ये देखते हैं कि कौन किससे रक्त ले सकता है और किसे रक्त दे सकता है तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ना इसे सर्वदाता यानि कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता हमने पढ़ा था ना कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ये किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं उसके बाद है ए बी ब्लड ग्रुप तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों को सर्वग्रहता यानि कि यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी से भी रक्त ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती मैंने आपको बताया था कि अगर सेम प्रकार का एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाएंगे तो आरबीसी नष्ट हो जाएगी लेकिन इनमें तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं पाई जाती इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप वालों को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं होता ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं ये किसी से भी खून ले सकते हैं क्योंकि इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसे खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आप छोड़ दीजिए तो पहले है ए ब्लड ग्रुप तो ए ब्लड ग्रुप वाला अपने ब्लड ग्रुप से तो खून ले ही सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से भी खून ले सकता है क्यों क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना ये यूनिवर्सल डोनर है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो ये सबको खून दे सकता है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए से और ओ से खून ले सकता है बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सेम ब्लड ग्रुप से यानी कि बी से और ओ से रक्त ले सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं ए एंटीजन भी पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाया जाता है इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए एंटीजन से भी ब्लड ले सकता है और बी एंटीजन से भी ब्लड ले सकता है तो ये ए से भी ले सकता है बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से भी खून ले सकता है ओ से तो ले ही सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और अपने सेम ब्लड ग्रुप यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून तो ले ही सकता है तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से खून ले सकता है इसीलिए से यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं सर्वग्रहता कहते हैं क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है उसके बाद है ओ ब्लड ग्रुप तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता इसीलिए ये केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है लेकिन ये अपना खून सबको दे सकता है यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है लेकिन ले केवल ओ ब्लड ग्रुप से ही सकता है तो हमने देखा कि कौन किसे रक्त ले सकता है अब देखते हैं कि कौन किसे रक्त दे सकता है अपने सेम ब्लड ग्रुप यानी ए को तो खून दे ही सकता है और इसी के साथ ए बी को भी खून दे सकता है क्योंकि हमने पढ़ा ना जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी खून ले सकता है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए को और ए बी को खून दे सकता है बी ब्लड ग्रुप वाला बी को और ए बी को खून दे सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी ब्लड ग्रुप को ही खून दे सकता है ये सबसे खून ले तो सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती लेकिन ये सबको खून दे नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए एंटीजन भी पाया जाता है और बी एंटीजन भी पाया जाता है इसीलिए ये केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही अपना खून दे सकता है उसके बाद है ओ ब्लड ग्रुप तो हमने पढ़ा था कि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे सर्वदाता कहा जाता है तो ये सभी को अपना खून दे सकता है यानी कि ए बी ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन सा व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है और किसे ब्लड दे सकता है तो आगे हम देखते हैं आर एच फैक्टर तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो ये कैसे पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो 1940 में क्या होता है लैंडस्टिनर और विनर ने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया तो अभी तक हमें दो ही एंटीजन पता थे एंटीजन ए और एंटीजन बी लेकिन इन्होंने 1940 में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया तो इन्हें इस एंटीजन के बारे में कैसे पता चला तो इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था इसीलिए से आर एच फैक्टर कहते हैं तो जो रीसस बंदर होता है ना लाल मुंह वाला बंदर आपने देखा होगा तो लैंड डिनर और विनर ने क्या किया कि कई सारे रीसस बंदर के खून का सैंपल लिया था तो इन्होंने देखा कि कई बंदरों में ये अलग प्रकार का एंटीजन भी पाया जाता है फिर बाद में इन्होंने मनुष्यों के भी खून के सैंपल लिए तब इन्हें पता चला कि मनुष्यों के खून में भी ये सेम प्रकार का एंटीजन पाया जाता है तो इस एंटीजन के बारे में इन्हें पहले नहीं पता चला लेकिन बाद में इन्हें एक नए एंटीजन के बारे में पता चला तो इसका नाम इन्होंने डी एंटीजन रख दिया और इसी को आर एच फैक्टर भी कहते हैं आर एच फैक्टर क्यों कहते हैं क्योंकि इसका पता रीसस बंदर से चला था तो रीसस के जो शुरुआत के दो वर्ड है ना आर और एच इसी से इसका नाम पड़ गया आर एच फैक्टर और यह आर एच फैक्टर भी आर बी सी की सतह पर पाया जाता है तो जिसकी आर बी सी की सतह पर आर एच फैक्टर मौजूद होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और जिसके रक्त में आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये आर एच फैक्टर की शेप है तो इस आर बी सी की सतह पर आर एच फैक्टर पाया जाता है तो इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और जिसकी आर बी सी की सतह पर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा तो ये जो पिक्चर है इसकी सहायता से आप बताइए कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है और ये बताइए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो आप देखेंगे कि इसकी आर की सतह पर ए एंटीजन पाया जाता है तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा और इसकी आर की सतह पर डी फैक्टर यानी कि आर फैक्टर भी मौजूद है तो ये पॉजिटिव होगा यानि कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा क्योंकि ए एंटीजन पाया गया है तो ब्लड ग्रुप ए होगा और आर फैक्टर भी मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे पता चलेगा कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है तो जिसके ब्लड में आर फैक्टर मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और जिसके ब्लड ग्रुप में आर फैक्टर मौजूद नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है पीछे हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है लेकिन हमने वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा था यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं जो पीछे हमने पढ़ा वो तो सेम ही रहेगा लेकिन उसके साथ ये कंडीशन भी जुड़ जाएगी यानी कि ये भी देखना पड़ेगा कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पहले देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका होता है जिसमें डी एंटीजन पाया जाता है तो इसीलिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है लेकिन ये खून ले किस सकता है यानी कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे खून ले सकता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही खून ले सकता है तो ऐसा क्यों क्योंकि इसमें आर फैक्टर मौजूद है तो ये पॉजिटिव वाले से तो खून ले ही सकता है लेकिन नेगेटिव वाले से भी खून ले सकता है नेगेटिव वाले से क्यों क्योंकि नेगेटिव वाले के ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर है ही नहीं मौजूद ही नहीं है जब उसके ब्लड ग्रुप में ये आर एच फैक्टर मौजूद है ही नहीं तो तो कोई नुकसान ही नहीं है नुकसान तो तब है ना जब उसके ब्लड ग्रुप में आर एस फैक्टर मौजूद हो और आपके ब्लड ग्रुप में आर एस फैक्टर मौजूद ना हो तब नुकसान होगा लेकिन जब आपके ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद है और सामने वाले के ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो उससे भी आप खून ले सकते हैं तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी दोनों से खून ले सकता है लेकिन दे केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ही सकता है अब हम देखते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला दोनों को ही खून दे सकता है मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव को भी खून दे सकता है और नेगेटिव को भी लेकिन ये खून ले किसे सकता है तो ये केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही खून ले सकता है क्योंकि इसके ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो ये केवल उसी से खून ले सकता है जिसके ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद ना हो क्योंकि अगर किसी के ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद होगा तो इसको नुकसान होगा इसीलिए ये केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही खून ले सकता है तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या खेल है पीछे हमने पढ़ ही लिया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसे खून ले सकता है या किसे खून दे सकता है उसी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा जाता है लेकिन अगर मैं आपको वहीं पर बता देता पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो आप कंफ्यूज हो जाते अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन से आर एज फैक्टर वाला किसे खून दे या किससे खून ले सकता है तो आगे हम पढ़ते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में तो ये क्या है तो यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले ही गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है तो इसमें क्या होता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो क्या होगा उनसे जन्म लेने वाली संतान या तो गर्भावस्था में यानी कि गर्भ में या तो जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन याद रखना ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान पर ही होता है यानी कि उनसे जन्म लेने वाली जो पहली संतान है वो तो जीवित रहेगी लेकिन उसके बाद की जो भी संतानें हैं वो जीवित नहीं रहेंगी इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस लेकिन आजकल मेडिकल साइंस में इसका भी इलाज आ चुका है डॉक्टर क्या करते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी करा देते हैं और इंजेक्शन भी आ चुके हैं यानी कि मेडिकल साइंस में इसका इलाज आ चुका है लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो पीछे हमने पढ़ा था कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है ये किसी से भी ब्लड ले सकता है लेकिन वहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताया था तो अक्सर स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं वो ये तो पढ़कर चले जाते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है लेकिन आजकल एग्ज़ामिनर क्या करता है ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव भी दे देता है और ए बी नेगेटिव भी दे देता है तो वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है तो देखिए यूनिवर्सल एसेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप को तो कहते ही हैं लेकिन कौन सा ए बी ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव वाला क्योंकि हमने पढ़ा ना जिसका आर एच फैक्टर पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही खून ले सकता है तो इसीलिए ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर तो हमने पढ़ा था कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है तो कौन से ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको खून दे सकता है तो नेगेटिव वाला क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो इसीलिए यह सबको खून दे सकता है तो यूनिवर्सल एसेप्टर कौन है ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर कौन है ओ नेगेटिव तो आगे हम देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे पता चलेगा यानी कि अगर माता या पिता में किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ हो और दूसरे का ए हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं ए बी ओ और ए बी और इन चार ब्लड ग्रुप के आपस में दस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो इन दसों कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसी प्रकार आपको इसे याद रखना है जैसे मैंने लिखा है तो पहले हम चार कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जिसमें से एक ब्लड ग्रुप होगा ओ यानी माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ होगा और दूसरे का बाकी के चारों तो पहले देखते हैं कि माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ हो और दूसरे का ए हो तो उनसे पैदा होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो ओ ब्लड ग्रुप की यह खासियत है कि वो खुद तो आएगा और जिसके साथ है उसको भी लेकर आएगा तो इसी तरह आपको इसे याद करना है कि अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ हो और दूसरे का ए हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या तो ए होगा दूसरा कॉम्बिनेशन है ओ और बी का तो इसमें भी बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो ओ खुद तो आएगा ही और साथ में जो उसके साथ है उसको भी लेकर आएगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा या तो ओ या तो बी तीसरा कॉम्बिनेशन है ओ का ओ के साथ तो इसमें क्या होगा ओ खुद आएगा और दूसरे वाले को भी साथ लाएगा तो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसके बाद चौथा कॉम्बिनेशन है ओ और ए बी का तो याद रखिएगा ओ और ए बी की आपस में नहीं बनती क्योंकि एक में एंटीजन नहीं पाया जाता एक में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती तो माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ हो और दूसरे का ए बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो ओ और ए बी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप हैं वो होंगे जैसे कि ए और बी क्योंकि ओ और ए बी की आपस में नहीं बनती तो जब भी इनका कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए और बी तो ओ के साथ हमने कॉम्बिनेशन देख लिए अब आगे हम देखते हैं कि अगर माता पिता का सेम ब्लड ग्रुप हो यानी कि पिता का भी ब्लड ग्रुप ए हो और माता का भी ब्लड ग्रुप ए हो सेम ब्लड ग्रुप होने पर बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा तो देखिए पहला केस है ए का ए के साथ दूसरा है बी का बी के साथ तीसरा है ए बी का ए बी के साथ आप सोच रहे होंगे कि ओ का ओ के साथ क्यों नहीं लिया तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना यहाँ पर हमने ओ का ओ के साथ देख लिया था कि अगर ओ का ओ के साथ कॉम्बिनेशन हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ ही होगा तो ओ के बारे में ऊपर हमने पढ़ लिया था तो यहाँ पर हम जो बाकी के तीन कॉम्बिनेशन हैं वो देख लेते हैं तो अगर ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो ए खुद तो आएगा ही ओ को भी साथ में लाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप ज्यादातर कॉम्बिनेशन में पाया ही जाता है इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में बात की जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है तो ओ पॉजिटिव तो ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो ए खुद आएगा और ओ को भी लेकर आएगा उसके बाद है बी का बी के साथ कॉम्बिनेशन यानी कि पिता और माता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो बी खुद तो आएगा ही और अपने साथ ओ को भी लेकर आएगा उसके बाद है ए बी का ए बी के साथ कॉम्बिनेशन तो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है बी बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही पाए जाते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है बी बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है लेकिन इस केस में ओ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ए बी की ओ के साथ नहीं बनती तो ए बी के कॉम्बिनेशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी हो सकता है उसके बाद ए बी का कॉम्बिनेशन बाकी के साथ देख लेते हैं तो ए बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ और बी के साथ देख लेते हैं क्योंकि हमने ए बी का कॉम्बिनेशन ओ के साथ और ए बी का कॉम्बिनेशन ए बी के साथ देख लिया तो बाकी बच्चे ए और बी इनके साथ देख लेते हैं तो चाहे ए बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ हो या बी के साथ हो दोनों ही केस में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ना वो होगा ए बी और ए बी क्योंकि इनमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है लेकिन ओ नहीं हो सकता ये याद रखेगा ओ नहीं हो सकता उसके बाद लास्ट में एक ही कॉम्बिनेशन बचा है ए का बी के साथ यानी कि माता या पिता में किसी एक का ब्लड ग्रुप ए हो और दूसरे का बी हो तो इस केस में जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है ना वो चारों हो सकते हैं ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ए बी के साथ ओ कैसे आ गया इनकी तो आपस में बनती नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माता या पिता में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है यानी कि या तो किसी का ए होगा या तो किसी का बी होगा तो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी, भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है लेकिन अगर माता या पिता में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ए भी होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता तो यहाँ पर हमने दस के दस कॉम्बिनेशन देख लिए बहुत ही आसान है आप इसी क्रम में इन्हें याद रखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें याद कर लेंगे अगर आप किताबों में देखेंगे तो डायग्राम बना के दिया होता है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है वहाँ से याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाकर आप याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं तो आप में से भी अगर किसी को अपने माता पिता और अपना ब्लड ग्रुप पता है ना तो इस कॉम्बिनेशन को वेरीफाई कर सकता है तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं तो इस बच्चे का नाम मान लीजिए रमन है तो रमन के पिता का जो ब्लड ग्रुप है ये ए है और रमन की जो माता है इनका ब्लड ग्रुप भी ए है तो बताइए रमन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा पॉजिटिव नेगेटिव को आप छोड़ दीजिए क्योंकि जिसके ब्लड ग्रुप में आर फैक्टर मौजूद होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा जिसमें नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर रमन के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का भी ब्लड ग्रुप ए है तो रमन का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है तो सेम केस हो गया ए और ए तो जब ए का ए के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ए खुद आता है और ओ को साथ लेकर आता है तो इस केस में जो रमन है ना इसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ओ होगा अगर रमन का जो ब्लड ग्रुप है ना तो ए है ना तो ओ है तो फिर आप समझदार हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो पहला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी फ्लेमिंग ने हार्वे ने लैंडस्टीनर ने या पोलो ने तो आपको पता ही है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव तो इसका सही जवाब होगा ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है ये किसी को भी अपना खून दे सकता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगला प्रश्न है कि आर एच फैक्टर के खोज करता है तो आर एच फैक्टर किसने खोजा था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लैंड स्टिनर और विनर ने मिलकर आर एच फैक्टर की खोज की थी तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है कि ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते एंटीबॉडी नहीं रहते ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं या एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते हैं तो इसका सही जवाब होगा कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती इसमें दोनों एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगला प्रश्न है कि रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है तो जिसका बी ब्लड ग्रुप है वो अपने सेम ब्लड ग्रुप को तो दे ही सकता है और उसके साथ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है वो सभी से खून ले सकता है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है तो यहाँ पर खून लेने की बात है तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ना वो केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता ये खून दे तो सबको सकता है लेकिन ले केवल ओ से ही सकता है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी केवल ओ अगला प्रश्न है कि यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है तो यहाँ पर ए का ओ के साथ कॉम्बिनेशन है तो मैंने आपको बताया था कि ओ का जिसके साथ कॉम्बिनेशन होगा ओ खुद तो आएगा भी और साथ वाले को भी लेकर आएगा तो यहाँ पर इन्होंने पुत्र का ब्लड ग्रुप पूछा है तो या तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो ए होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा तो ऑप्शन सी उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा अगला प्रश्न है कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से नवजात शिशु में कौन सा ब्लड ग्रुप असंभव है यानि कि बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता तो अगर माता पिता के जो ब्लड का कॉम्बिनेशन है ए और ए भी होगा तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता तो मैंने आपको बताया था ना कि माता और पिता में किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ए भी हो तो बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ रक्त समूह बच्चे का नहीं हो सकता अगला प्रश्न है कि आर एच फैक्टर नाम का आधार है तो आर एच फैक्टर किससे लिया गया है रीसस बंदर से लिया गया है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे खून ले सकता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अगला प्रश्न है कि रक्त समूह ओ नेगेटिव में क्या नहीं होता कोई एंटीजन नहीं होता कोई एंटीबॉडी नहीं होती ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी होते हैं और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही होते हैं तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तो आज का आखिरी प्रश्न है कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी डेकेस्टेलो और स्टर्ली ने तो यहां पर ऑप्शन में डेकेस्टेलो का नाम दिया हुआ है तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद